भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रविवार को गोरखपुर क्लब में खिलाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। खिलाड़ी सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आयोजन समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबके साथ इसलिए भी संवाद स्थापित करना चाहता था कि देश के अंदर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आप सब जानते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का ये महापर्व हमारे लिए उत्सव जैसा मने, इसलिए हम सब कहीं ना कहीं इस उत्सव के सहभागी बन सकते हैं और इस उत्सव को आम जन के साथ जोड़कर हम सबकी भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से गोरखपुर के खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने पसीने से गोरखपुर का, इस कमिश्नरी का, प्रदेश का और देश का नाम किसी न किसी विद्या में आगे किया है, आप सभी विभूतियों के साथ मैं आज संवाद स्थापित कर रहा हूँ कि हम भी इस उत्सव में किस प्रकार के साथ भागी बन सकते हैं। मुझे देश के अंदर इस दौरान अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और अनेक राज्यों में जो उत्साह और जो उमंग है, लोगों की तमन्ना है, उस तमन्ना के साथ मैंने इस बात को महसूस किया है कि पहली बार कोई सरकार है जिस सरकार ने अपने परिश्रम से, अपने कार्यक्रमों से 5 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूरा करने के बाद देश के अंदर लोगों के मन में एक नई आशा जगाई है, एक नया उत्सव पैदा किया है। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, गोरखपुर कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश साई, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, मनीष सिंह, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रशिक्षक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। या जितने भी आगंतुक हैं, आप सभी का भी आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर पधार रहे हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों समाज से इस सभागार में परम पूज्य महाराज श्री का आगमन, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। परम पूज्य महाराज जी की, परम पूज्य महाराज जी की, परम पूज्य महाराज जी की, धन्यवाद। माल्यार्पण कर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरे हर क्षेत्र में कोई न कोई दिग्गज प्रदेश का नाम रोशन करता आया है और हमें इस बात का एहसास कराया, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प और आप यही स्वास्थ्य से मानसिकता प्रदेश को, देश को और राष्ट्र को स्वस्थ और आगे ले जा सकती है। अभिवादन करने की कृपा करें सभी सम्मानी मंचस्थ अतिथिगण। समय नाध्यक्ष गोरखपुर हॉकी संघ श्री धीरज सिंह हरी सिंह को साथ आमंत्रित करता हूँ। श्री धीरज सिंह हरी सिंह, आयोजित खिलाड़ियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रति परम पूज्य महाराज जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी, पुरानी तरह से पुराने तरह भी लगाव रखने वाले सभी लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत की वंदन करता हूँ। तो एक कहावत हुआ करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। भैया धारणा आज के खिलाड़ियों में हो चुकी है, किसी भी खेल के अंतर्राष्ट्रीय हार्दिक का मैच अगर इस गोरखपुर की धरती पर हुआ तो परम पूज्य महाराज जी की देन है। अपना नाम इस जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर तक नहीं, देश स्तर और राज्य करते हैं। करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए भारत की विभिन्न खेल विधा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले
गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों के साथ में आयोजित आज के इस कार्यक्रम अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबके साथ इसलिए भी संवाद स्थापित करना चाहता था, देश के अंदर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और हम सब जानते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का यह महापर्व हमारे लिए उत्सव जैसा बने, इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं इस उत्सव में सहभागी बन सकते हैं और इस उत्सव को आम जन के उत्सव के साथ जोड़ करके हम सब की एक भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से गोरखपुर के खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने पसीने से गोरखपुर का, इस कमिश्नरी का, प्रदेश और देश का नाम किसी न किसी विधा में आगे किया है, आप सभी विभूतियों के साथ मैं आज इसलिए यहाँ पर आज संवाद स्थापित कर रहा हूँ कि हम भी इस उत्सव में किस प्रकार से सहभागी बन सके। सबसे पहली बात तो मुझे देश के अंदर इस दौरान अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और अनेक राज्यों में जो उत्साह है, जो उमंग है, जो लोगों की तमन्ना है, उस तमन्ना के साथ मैंने इस बात को महसूस किया है कि पहली बार कोई सरकार है जिस सरकार ने अपने परिश्रम से, अपने कार्यक्रमों से 5 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूरा करने के बाद देश के अंदर लोगों के मन में एक नई आशा जगाई है, एक नया उत्साह का संचार किया है और कोई एक तबका नहीं, कोई एक वर्ग नहीं, कोई एक प्रदेश, कोई एक क्षेत्र या फिर कोई एक अन्य प्रांत ही हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गोरखपुर में विकास दिखाई दे रहा है, यही विकास हर एक राज्य में इसी प्रकार से, हर एक जनपद में इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब नहीं बनकर के, बल्कि देश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबके का व्यक्ति इसमें सहभागी बना है और सहभागिता बनाने के बाद सही मायने में लोकतंत्र को सार्थक करने का जो प्रयास विगत 5 वर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। आखिर भारत मजबूत होगा तो हम में से हर व्यक्ति मजबूत होगा, भारत शक्तिशाली होगा, हम में से हर व्यक्ति शक्तिशाली होगा। भारत अगर किसी भी प्रकार से सुरक्षित होता है तो हम में से हर व्यक्ति अपने आप में सुरक्षित होता है, तो भारत की सुरक्षा के साथ हर व्यक्ति की सुरक्षा, भारत की मजबूती के साथ हर व्यक्ति की मजबूती, भारत की समृद्धि के साथ हर व्यक्ति की समृद्धि है। उस समृद्धि और सुरक्षा के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आज इस मंच पर आपके बीच में इस संवाद के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाई बहनों, हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन विगत 5 वर्षों में बेहतर हुआ है और जिस जो एक कार्य योजना आगामी वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने तैयार की है, वह कार्य योजना एक ऐसी कार्य योजना है जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी अच्छा स्थान प्राप्त कर सके और भारत का गौरव बढ़ा सके, इस जिससे खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक खिलाड़ी को एक उचित मंच देने की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई है यह अद्भुत है और मुझे लगता है उसका परिणाम है
कि आज हर स्तर पर खिलाड़ियों में एक नई नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। उन्हें अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर भी जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, वे हम सब उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक सरकार जो किसी संकीर्णता के दायरे में आए बगैर योजनाओं का लाभ देश के अंदर हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा भाई भाषाभाषी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। आज विकास की योजनाओं का लाभ या शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस रूप में देखने को मिली है, मुझे लगता है वह स्थिति खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए जहां खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव से शहर तक प्रत्येक उस नई प्रतिभा को निखारने का एक मंच भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वहीं साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण की और हरेक स्तर पर उनके खेल की भावना में निखारपन आए और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने आप को शामिल करने और बड़े गौरव के साथ भारत के लिए कोई अच्छा पदक लेकर के आ सके, इसके लिए जो प्रोत्साहन की व्यवस्था भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुई है, मुझे लगता है कि वह थमना नहीं चाहिए, वह कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी डिगने नहीं देना चाहिए। और जब भी ये प्रतियोगिता और इस प्रकार के कार्यक्रमों में समाज का सहयोग मिलेगा तो हम देखेंगे कि आने वाले 5 वर्ष में या अगले ओलंपिक के पहले आप देखेंगे कि भारत बहुत सारे ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अपने यहाँ नई खिलाड़ियों की एक ऐसी फौज खड़ी कर देगा जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत को बेहतर प्रदर्शन करवाने में सफल हो सकता है और भारत का नाम दुनिया के अंदर भारत के खिलाड़ियों के माध्यम से एक बार पुनः गौरव के साथ लिया जा सकता है। विगत 5 वर्ष के प्रदर्शन के दौरान आपने इसको महसूस किया होगा। पिछले 2 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे भी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हम लोगों ने इस दौरान प्रयास किया कि हर एक स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके। हमारी सरकार ने एक व्यवस्था भी प्रारंभ की है कि हम लोग हर गांव में एक खेल मैदान जरूर बना सके और इसके लिए हम लोगों ने एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया। इस टास्क फोर्स का गठन का उद्देश्य ही है एक राजनीतिक संरक्षण में अगर किसी ने कभी सरकारी जमीन पर कब्जा करके और उसको अपनी मकौती बना लिया है उसको चिन्हित करके कब्जे से मुक्त कराना और कब्जे से मुक्त करा करके जहां पर गांव में खेल के मैदान के लिए जमीन सुरक्षित नहीं वहां पर खेल के मैदान को बनाने की व्यवस्था करना, वहां के बालकों के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए खेल मैदान या मिनी स्टेडियम स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करके उन्हें प्रोत्साहित करने की व्यवस्था हम गांव से ही प्रारंभ करेंगे। एक स्थिति जहां ये प्रारंभ की शेष भूमि उन भूमिहीन गरीबों को देने की व्यवस्था जिनके पास अब तक अपने स्वयं की झोपड़ी को रखने के लिए भी जगह नहीं है हम प्राथमिकता के आधार पर उनको उन जमीनों का पट्टा करेंगे और इस कार्य को युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। आज प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हर गांव में लगभग ज्यादातर गांव में हम लोगों ने बालकों के खेलने के लिए मैदान की भूमि आरक्षित की है और ये उसी प्रकार से एक मौन क्रांति के रूप में कार्यक्रम चल रहा है जैसे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में आप देख रहे होंगे। आज से 2 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के जितने 101,58,000 विद्यालय थे इस सब विद्यालय उजाड़ जैसे लगते थे, बड़े बड़े पेड़ जमे थे, घास जमी रहती थी, गंदगी रहती थी, ना वहां पर पेयजल की व्यवस्था, ना बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, ना कोई वहां बैठने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं थी। विगत 2 वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा एक भी पैसा लगाए बगैर जन सहयोग से अब तक 1,15,000 विद्यालयों का हम लोगों ने कायाकल्प योजना के माध्यम से जन सहयोग से उनकी काया को बदला है। आपने देखा होगा आप बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में आप जाइए
आपको अच्छा फर्श मिलेगा, पेयजल की व्यवस्था मिलेगी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था मिलेगी और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था वहां पर मिलेगी। 158,000 में से 115,000 में व्यवस्था करना 2 वर्ष के दौरान बिना पैसे लगाए और जन सहयोग से इस कार्य को करके जनता को उसके साथ जोड़ करके भावनात्मक रिश्ता उसके साथ बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा में हमारे पास वर्तमान में 1,77,00,000 बच्चे उन स्कूलों में आज के दिन पर पढ़ रहे हैं जिनके लिए बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स उन सभी बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और स्वेटर भी उनको साल में एक बार उपलब्ध कराया जाता है, 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कार्रवाई जिस स्तर पर प्रारंभ हुई है वही स्तर खेल के क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया और खेल के क्षेत्र में अन्य तमाम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि विगत वर्ष जब हमारी सरकार 2017 में आई थी तो 2017 में आने के बाद 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र के उन प्रतिभाओं को हम सम्मानित कर सके, कला के क्षेत्र में होंगे, साहित्य के क्षेत्र में होंगे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होंगे, रंगकर्मी के क्षेत्र में होंगे, समाज जीवन के अलग 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 क्षेत्रों में कार्य करने वाले उन सभी विभूतियों को हम सम्मानित करने का कार्य करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में सम्मानित करने का कार्य किया और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम उसी उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने की एक नई परंपरा को भी आगे बढ़ाया। लक्ष्मण पुरस्कार में जहां पर प्रत्येक उस खिलाड़ी को जिसका चयन होता है, जिसने एक किसी एक विधा में कोई स्थान प्राप्त किया है उसमें 3,11,000 रुपए की नगद राशि, लक्ष्मण जी की प्रतिमा और साथ साथ उसे प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया जाता है। तो बालिकाओं में अगर किसी बालिका ने किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाया है तो उसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करके 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा देकर के प्रमाण पत्र के साथ उस खिलाड़ी को सम्मानित करने की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को पूरे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही नहीं, हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का अगर कोई खिलाड़ी है प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो सीनियर वर्ग में हमने 1,00,000 रुपए, जूनियर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए, सब जूनियर में 25,000 रुपए की राशि उस खिलाड़ी को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रदान करती है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को सीनियर में 75,000, जूनियर में 35,000 और सब जूनियर में 15,000 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को किसी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 50,000 रुपए सीनियर को, 25,000 रुपए जूनियर को और सब जूनियर को 10,000 रुपए की राशि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रोत्साहन की राशि उन खिलाड़ियों को प्रदान करती है। 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मान स्वरूप उन्हें प्रदान की जाती है। तो टीम गेम में 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए और 25,000 रुपए की सहायता भी प्रदेश सरकार के द्वारा उन सभी खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। मुझे प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई बढ़ाई थी तो उस समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 59,80,000 रुपए की पुरस्कार राशि केवल प्रदेश के खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने में खर्च की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 16 स्वर्ण पदक, 53 रजत पदक और 42 कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के 173 खिलाड़ियों ने अर्जित किए और मुझे लगता है कि यह कई वर्षों में सर्वाधिक पदकों की संख्या उत्तर प्रदेश के खाते में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा अपने परिश्रम से और अपने अपने विधा में जो स्थान प्राप्त किया गया उसके लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
हम लोगों ने अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करा दिए हैं। रियो ओलंपिक में 3 खेल पर 3 करोड़, द्वितीय स्थान में 2 करोड़ और तृतीय स्थान में 1 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स में, एफ्रो एशियन गेम्स में और अन्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में एफ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख की सहायता प्रदेश सरकार करती है। एफ्रो एशियन गेम्स में 15 लाख, 10 लाख और 8 लाख तथा सेफ गेम्स में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की राशि हम लोग उन सभी खिलाड़ियों को जो एकल खेल में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है उन्हें प्रदान करते हैं। तो टीम गेम में भी कॉमनवेल्थ में 30 लाख, 15 लाख और 10 लाख, एफ्रो एशियन में 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख की राशि हम लोगों ने प्रदेश के और देश के उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान करने की कार्रवाई की, जिसमें आपने देखा होगा कि ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में देश को स्थान दिलाया था, तो 1 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार की ओर से हमने उन्हें प्रदान कराई थी। सुश्री साक्षी मलिक कुश्ती में 1 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार ने उन्हें सीधे सीधे प्रदान की और सुश्री दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक में है, इन्हें भी 1 करोड़ की राशि हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाने का कार्य इन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया। यानी प्रदेश के अंदर खेल का एक माहौल बने और खेल अब सबसे अंतिम नहीं बल्कि हर एक खिलाड़ी की पहली पसंद बने, हर नौजवान की पहली पसंद बने, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने अन्य अनेक प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित करने की कार्रवाई प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि बहुत वर्षों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में दिल्ली राजधानी लखनऊ में कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो पा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन लखनऊ में विगत दिनों अक्टूबर माह में किया गया और साथ ही साथ हॉकी की भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्तर प्रदेश में होना प्रारंभ हुआ। 3 मैच हुए थे जिनमें से 1 मैच तो गोरखपुर में ही हुआ था, आपके नगर में हुआ था और कितना शानदार मैच था, किस उत्साह के साथ खिलाड़ियों ने उस पूरी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, वो आयोजन आपके सामने है। और अभी लखनऊ में पुनः 4-5 को भी पुनः T20 का एक मैच क्रिकेट का होने जा रहा है, जिसको हम लोगों ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है उस स्टेडियम में वह मैच भी इसी मई महीने में होने जा रहा है, मई के प्रथम सप्ताह में होने जा रहा है। हमने प्रदेश के अंदर प्रयास किया है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम बने। इस बार बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की, हम हर कमिश्नरी में एक श्रमिकों के बच्चों के लिए, यानी जितने भी रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने जा रहे हैं, जहां पर उन श्रमिकों के बच्चों को लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से खाना बदोश जैसे होते हैं, आज गोरखपुर में काम कर रहे हैं, कल देवरिया में, परसों कुशीनगर में, अगले दिन अलग अलग जगह कम घूमते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करा पाते। और एक बड़ी संख्या ऐसी होती है जो निरक्षर रह जाती है। हमने कहा भी ऐसे सभी उस कमिश्नरी से जुड़े हुए सभी ऐसे बच्चों को हम लोग उस आवासीय विद्यालय में लेकर के आएंगे और आवासीय विद्यालय हम उस तर्ज पर चलाएंगे कि जहां पर उनके पठन पाठन के साथ साथ अगर वह बच्चा पठन पाठन पर उतना मजबूत नहीं है तो स्पोर्ट्स में होगा, किसी एक विधा में होगा, जिस विधा में होगा
उस विधा में उसको प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार की सुविधा वहां पर प्रदेश सरकार उनको प्रदान करने जा रही है। और प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय स्थापित करने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के, अभी जब हमारा बजट सेशन प्रारंभ हुआ था तो बजट सेशन में हम लोगों ने बजट के साथ इसको भी इसकी एक स्वीकृति दी है कि हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कार्य किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का समय है, एक न्यू इंडिया का, जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना आप सबके सामने आज से 5 वर्ष पहले दिखाया था, 2022 जब इस देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, हम कैसा भारत दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, हम आने वाली पीढ़ी के सामने कैसा भारत देना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में हर एक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर हो, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद से मुक्त हो, अलगाववाद से मुक्त हो, नक्सलवाद से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था से मुक्त हो, और एक ऐसा भारत जहां पर हर एक भारतीय अपने आप को भारतीय कहने में गौरव की अनुभूति कर सके और उस भारत के निर्माण में अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों का भी अपना योगदान हो सकता है। और आप भारत के प्रमुख विधा खेल से जुड़े हुए हैं, खेल की अलग अलग विधाओं में आपका योगदान है, अलग अलग योगदान है, अलग अलग प्रकार से योगदान है। और मेरी आप सबसे अपील है कि प्रवर्तमान अभियान में जो भारत को एक नए भारत के रूप में, दुनिया के एक शक्तिशाली भारत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए जो अभियान वर्तमान में प्रारंभ हुआ है, इस पूरे अभियान में आप सबकी सहभागिता भी हो सके, मैं इसके लिए गोरखपुर के सभी खिलाड़ियों का आह्वान करूंगा, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए आप सभी खिलाड़ियों का आह्वान करूंगा कि आप सभी इस विधा के साथ जुड़ करके वर्तमान अपनी विधा के माध्यम से अनेक युवाओं को, अनेक नौजवानों को, अनेक खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में सहभागी बना सकते हैं। के लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा कल बहुत बड़ी मात्रा में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के मिशन को अपना समर्थन देने की बात कही, और मुझे लगता है यही अभियान खिलाड़ियों के पक्ष में भी है। आज हर भारतीय कहीं दुनिया के अंदर जाता है सम्मान के साथ, वो वहां पर अपनी बात को कह सकता है, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग बात में कर रहा था और अलग अलग बातचीत करते समय उनके द्वारा जो बात कही जा रही थी, उन्होंने कहा कि 2014 के पहले जब हम जाते थे अपना पासपोर्ट लेकर के वीजा लगाने के लिए किसी दूतावास में, वहां के अधिकारी हमें बड़ी हेत से देखते थे, बहुत कमतर आते थे, भारत नाम होने के कारण हम लोगों को महत्व नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद लोगों की दृष्टि बदली है। आज जब हम किसी दूतावास में जाते हैं, लोग एक बात हमें कहते हैं, अच्छा आप पीएम मोदी के देश से हैं, तो पीएम मोदी के नाम पर पूरा देश 130 करोड़ की आबादी ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास करते हैं, अप्रवासी भारतीय रहते हैं, वे सभी भी गौरव की अनुभूति करते हुए दिखाई देते हैं। और जब यशस्वी नेतृत्व भारत के पास हो और जो देश के अंदर आज एक आवाज चल रही है, एक ही आवाज है हर एक पक्ष में, हर एक क्षेत्र में, किसी भी प्रांत में आप जाइए, मैं बंगाल में गया था, अब आश्चर्य करें कि बंगाल में कितनी क्रूरता, कैसा वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता ढाई जाती है, लेकिन अद्भुत बंगाल में जम गया, एक एक सभा में 50-50 हजार की भीड़, केवल मंच बना है, सामने जमीन पे लोग बैठे हैं, ऊपर पंडाल नहीं है, भीषण धूप है, पसीना बह रहा है, लेकिन तब भी अपनी जगह से बस से बस नहीं, सरकार 10-10 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक रही है, वहां से पैदल आ रहे हैं कार्यक्रम में, और तब भी एक ही भाव, एक ही लगन, एक ही तमन्ना कि फिर एक बार मोदी सरकार का, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य कि फिर एक बार मोदी सरकार, और फिर एक बार मोदी सरकार का जो भाव मैंने बंगाल के अंदर देखा, केरल में देखा, उड़ीसा में देखा, असम में देखा, त्रिपुरा में देखा,
मुझे लगता है एक अद्भुत भाव है। ये भाव वास्तव में भारत का वर्तमान आवाज बन चुकी है। आज जनता चुनाव लड़ रही है, लोग पीछे रह गए हैं, आम जनमानस आगे चल करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है बंगाल के लोग स्वीकार कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग स्वीकार कर रहे हैं, असम और त्रिपुरा के लोगों ने स्वीकार किया है, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग स्वीकार कर रहे हैं, पूरा भारत स्वीकार कर रहा है। और गोरखपुर तो विकास की इन योजनाओं में पिछले 2-3 वर्ष के अंदर जो योजनाएं आपके बीच में आई हैं, एम्स कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स आएगा, आज एम्स की ओपीडी भी प्रारंभ हो चुकी है। कोई सोचता था गोरखपुर में 26 वर्ष पहले जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था वो फिर से चलेगा, आप देखना अगले वर्ष फर्टिलाइजर कारखाने की चिमनी से फिर से धुआं निकलना प्रारंभ होगा, गोरखपुर में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के किसानों को सस्ते में खाद मिलेगा, व्यापार की ढेर सारी संभावनाएं गोरखपुर में बनती भी दिखाई देंगी। कोई सोचता था ब्यारडी मेडिकल कॉलेज जो बम तोड़ रहा था, आज नए कलेवर के साथ ब्यारडी मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को आप देखिए, 8 नई सुपर स्पेशलिटी के साथ इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों और उनके परिवार जनों के लिए जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हुई हैं वो आपके सामने है। गोरखपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी, सड़क की हो, रेल की हो या एयर कनेक्टिविटी हो, कोई सोचता था कि गोरखपुर से दिल्ली के लिए 1 सेवा नहीं मिल रही थी, आज दिल्ली के लिए 3 है, मुंबई के लिए 2 सेवा कल से प्रारंभ होने जा रही है, और हैदराबाद और बेंगलोर से भी गोरखपुर जुड़ चुका है, और कलकत्ता और काठमांडू से भी जुड़ने जा रहा है। इतनी सेवाएं गोरखपुर से, इतनी हवाई जहाज की सेवाएं कोई अनुमान करता था? आज लखनऊ जाइए 4 लेन की कनेक्टिविटी, सोनौली की तरफ जाइए 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, महाराजगंज और देवरिया की तरफ जाइए कुशीनगर की तरफ जा रहे 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ गोरखपुर जुड़ रहा है, वाराणसी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है। पहले बिजली मिलती नहीं थी और आज बिजली आपकी जाती नहीं है, बिना भेदभाव के आपको बिजली मिल रही है। एक परिवर्तन, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन। पहले गोरखपुर की पहचान किस रूप में होती थी, लोग बोलते थे, मुझे याद है जब मैं पहली बार सांसद चुना गया था, मैं फर्टिलाइजर कारखाने के लिए गया था कि फर्टिलाइजर कारखाना चले 1998 में, सुरजीत सिंह बरनाला उस समय उर्वरक और रसायन मंत्री हुआ करते थे, मैं उनके सामने गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गोरखपुर का खाद कारखाना चला जाए, चला दिया जाए, वे मुझे देखते रहे, उन्होंने कहा कि आप गोरखपुर से आए हैं, मैंने कहा हाँ, गोरखपुर से सांसद चुने हैं, मैंने कहा हाँ, कहा अरे गोरखपुर से कैसे चुन गए, मैंने कहा क्या मतलब, अरे गोरखपुर में मैं एक बार गया था, जैसे ही मंच पे गया तब तक बम चलने लग गए, तब से मैं दूसरी बार गया ही नहीं गोरखपुर। क्या पहचान थी गोरखपुर की, अपराध के लिए गोरखपुर जाना जाता था, व्यापक अराजकता के लिए, अपहरण के लिए, आज गोरखपुर एक नए शान के साथ देश के अंदर जा सकता है, गोरखपुर वासी कह सकता है हम गोरखपुर के निवासी हैं। हर एक जगह सम्मान होगा, हर एक व्यक्ति सम्मान के दृष्टि से देखेगा, ये सम्मान बिना परिश्रम और बिना पुरुषार्थ की नहीं मिलता है, और इस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी गोरखपुर के वासियों की है, हर एक खिलाड़ी की है, हर एक नागरिक की है। ये विकास की प्रक्रिया, ये विकास का पहिया थमना नहीं चाहिए, ये विकास का पहिया कहीं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्थिति केवल अभी के लिए नहीं, आप सब के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने भी जवाबदेही बनने के लिए आवश्यक है। क्या जवाबदेही आने वाली पीढ़ी, कैसा गोरखपुर आप निर्माण करने में सहभागी बनेंगे? ये जो विकास कार्य आज गोरखपुर का चल रहा है किसी व्यक्ति का नहीं, एक गोरखपुर की सामूहिक सहभागिता है। पहले आप जाते थे एयरपोर्ट की तरफ, रेलवे क्रॉसिंग बंद है, घंटों आपको जाम हमें फंसना पड़ता था, 1 महीने के अंदर आप देखना जाम हमेशा के लिए समाप्त, हमने वहां पे अंडरपास दे दिया, कभी भी आप जाएंगे, कभी भी आएंगे, आपको रेलवे ऊपर से चल रही होगी, नीचे से आप चल रहे होंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। गोरखपुर में विकास के जो एक अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है,
मुझे लगता है एक जागरूक खिलाड़ी होने के नाते, एक खिलाड़ी सच्चा खिलाड़ी वह है जो टीम वर्क के साथ कार्य कर सके, और टीम वर्क गोरखपुर के विकास में भी आपकी दिखनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि गोरखपुर के खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक दिन गोरखपुर में चलकर के परमिशन लेकर के आप जिलाधिकारी से परमिशन लें, एक साथ 500 खिलाड़ी मोदी जी के समर्थन में गोरखपुर की सड़कों पर वोट मांगते हुए दिखाई दे। एक नया नजारा होगा, कहीं खिलाड़ी निकलता है, कहीं कलाकार निकलता है, कहीं व्यापारी निकलता है, कहीं अधिवक्ता निकलता है, कहीं चिकित्सक निकलता है, और कहीं अधिवक्ता निकलता है। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये कार्य जनता का होगा, और लोकतंत्र का महापर्व अपनी सार्थकता को सिद्ध करना होगा। और ये कार्य गोरखपुर से अगर आप कर सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं एक बार पुनः पहलवान दिलीप सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आप सबके साथ इस संवाद मनाने का अवसर दिया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।